भोपाल और इंदौर के बाद में हम निकल पड़े हैदराबाद। दिस वाज वेलकम है आपका डे टू में। सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग में लग गए थे, मुझे तो खानी थी हैदराबाद की फेमस बिरयानी, तो मैं तो निकल पड़ा। पिस्ता हाउस वहाँ पर हलीम फेमस है, पर वो मिलता है रमजान में, तो बीटी हो गई, वहाँ जाके मैं वापस आ गया हूँ वहाँ पर, और अब जा रहा है पैराडाइज। यहाँ मिल जाए बिरयानी, तो बिरयानी तो मिल गई अपने को, अब देखते हैं आती है टेस्ट करते कैसी क्या है। भाई साहब जो खुशबू आ रही है बिरयानी से, मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी। खैर उसके बाद मैं पहुंच गया वेन्यू पे, जहां पर जीशान भाई और उनके बैंड मैट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये गणेश भाई जो सो रहे थे। उसके बाद मैं गया स्टेज पर जहां पर भाई परफॉर्म कर रहे थे और रजत भाई ले रहे थे लुफ्त मज़े। रजत भाई का नाम भूल गए थे बोलना, राजा राजा कर रहे थे, तो आप सुनते हैं। सादगी तो हमारी भी एकदम साथी हो गए थे सब लोग। अच्छा 10-10 मिनट नहीं है दो लोगों के पास, स्टोरी में डाल दिया कि 5-6 हैं, कौन सा करूं। ऐसा कुछ माहौल रहेगा, इधर परफॉर्म करते हैं। तो जीशान भाई जो पहने थे वो चेंज हो गया है, क्योंकि क्यों नहीं, अपने पास आ गई लेदर जैकेट। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई का जो शो हो रहा है, वो खाने पीने का से लेकर म्यूजिक रहेगा, कॉमेडी रहेगी, बातें रहेंगी। अब भाई का सेकंड शो चालू होने वाला है, एक दिन में भाई दो दो शो कर रहे हैं, और अब जीशान भाई भी परफॉर्म करेंगे दूसरी बार, और मजा आएगा। और नया शर्ट पहन लिया था भाई, और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हाय गाइस, आज कुछ अलग दिन है क्योंकि आज हम भाई के लिए ओपन कर रहे हैं, और इट्स गोना बी क्रेजी। बाय, ऑल द बेस्ट। चलो भाई, बड़ा फोर जीशान खान नमरंगा। शायद आपको पता नहीं होगा, भाई की ऑलरेडी एक लिखा हुआ था, उसको उठा के हमने ऑलरेडी गाना बना लिया था उसको, तो दैट सॉन्ग इज कॉल्ड इश्क का जनाजा। गणेश भाई अपने आप से तोड़ना है भाई, नहीं होता है अपने आप से तोड़ना, नहीं टूटता है भाई। होया है दिल में, तुम कैसे तोड़ सकते हो? होया दिल में नहीं तोड़ा, इसका जनाजा में तोड़ा, इसका जनाजा। तेरे पास स्टिक था दूसरा? हां है, काफी सारे हैं ना, एक आज अच्छा ही नहीं लगता है। नहीं, गणेश को मैं जानता हूं, इतना ज्यादा कभी झूठ नहीं बोलता है। जब आइडिया ही आपके पास आया, आपने सुना था, वो कैसा लगा? जाकिर भाई का पूरा इंडिया टूर का शो है, मलंग भी फीचर होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट भी था। एट द सेम टाइम ऐसा हो रहा है कि एक शो के जगह दो दो शो रखना पड़ रहा है, क्योंकि ऑडिटोरियम कम पड़ रहा है लोगों के लिए, म्यूज़िक कॉमेडी और फूड का। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट अभी बहुत मतलब चलने वाला है, और बहुत आगे तक जाएगा। मोर देन 8,000 लोग थे। एक नेचुरल जो बड़े भाई का प्रेशर है, वो जो आम लाइफ में भी है, वो इस इधर भी आता है। गणेश कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर यही शो कहीं भाई का नहीं होता और कहीं और का होता, हमारे 10x पे चल रहे होते हैं, हम उस एनर्जी से चलते कि बर्बाद करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा था कि एवरीथिंग हैज़ टू बी सो परफेक्ट, इट हैज़ टू बी एट अ एनर्जी विच विल नॉट इम्पैक्ट द नेक्स्ट एक्ट ऑफ योर्स। ने ओरिजिनल्स गाए हैं और सिर्फ एक ही कवर गाए। भाई की ऑडियंस बहुत नीश है, तो वो सॉन्ग सिलेक्शन बहुत चूज करके ऐसे। हाँ, इसमें मुझे नील ने बड़ी मदद करी सॉन्ग सिलेक्शन में। I genuinely want to say zero input. किस खेल में है, क्या करेंगे, कौन सा गाना होगा, मैंने ही लिस्ट भेजी, मैं ही बता रहा हूँ गाना कैसा होगा, ग्रुप भी मैं ही बना रहा हूँ, उत्कर्ष को बोल रहा हूँ भाई प्लीज अरेंजमेंट भेज, बंद करो। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ना आपके ऊपर 200% भरोसा है। मत करो। जेन्युइनली अंदर से पता कि अरे वो तो तुझे मैच पे है, अभी मुझे भी मौका दे यार। पुणे का सेकंड बेस्ट फिर उसके बाद में चली भाई की द ओजी वीडियो, जिसे आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद करा और अभी भी इतना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद ये परफॉर्मेंस हुई, फिर बाद में भाई स्टेज पर गए, उसके बाद में भाई ने बताया एक एनेक्डोट
हैदराबाद को लेकर। वहाँ पे शो करके आए थे 2015 में और उन्होंने ना वहीं पे एक्सेंचर वाले को दे दिया था पार्टी करने के लिए। 30 लोग आए थे कॉमेडी देखने और 100 लोग उन्होंने एक्सेंचर की बुक कर लिए थे। उनको लगा कि बैरिकेड लगा देंगे तो फिर क्या ही पता चलेगा कि उधर क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है। ठीक है, आज सब लोग ट्वीट कर रहे हैं बाहर कि जान लग गया है, पार्टी में मिल गई पुराना दिन का हिस्सा। वो भी अपने दिन है, ये भी अपने दिन है। ये वो लोग हैं जो जल्द से मुक्ति हो पाए। बस ठीक से कोई आर्टिस्ट है प्लीज का मुझे कह ये नए बड़े आर्टिस्ट हैं आप लोग जानते हो, बट ये वो सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुकाम हो पाए और खास कर आप लोग जिनका ऐसा है जिंदगी भर याद रखूंगा ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया। डे टू ख़त्म होता है और आज हमारे दोनों शो बहुत अच्छे से गए दोनों शो और आज का दिन ख़त्म होता है ऐसे। कल हमारी फ्लाइट है, हम वापस जा रहे हैं मुंबई और बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखो और अपने ज़्यादा अपने बड़ा मज़ेदार था और मेरे इस न्यू ईयर का पहला ट्रिप था। मोस्टली सारा यूथ हैदराबाद का हमारे स्टेडियम में था। शोर ही रहता ये फेस्टिवल की तरह। नेक्स्ट अप पुणे। पुणे आर यू रेडी? फूड गॉरमे जोन, पॉपअप्स, फोटो बूथ्स, ए फ्यू सिटीज, अल्कोहल। अहमदाबाद में भी वो भी ओपन है? नहीं नहीं, वहाँ तो वहाँ हम लोग छास से काम चलाएंगे। दिल्ली में भी स्टेडियम कर रहे हैं और देन वी कम बैक टू बैंगलोर। बैंगलोर भी In work in progress, WIP. Malang the band bhi aa gaye ho to. Are you tired? Extremely. US jana na? Haan, bahut tired hu main bhi bahut. US jana hai.